हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है? स्टूडेंट्स, आपने अपने घरों में आयरन, गीजर या फिर हेयर ड्रायर देखा होगा, ठीक है। ये किस फिनोमिनन पे वर्क करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, हम देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, क्या बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, किससे होकर पास होता है, थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, तो क्या होता है, लाइक नाइक्रोम वायर। एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। और हमें आयरन से क्या चाहिए होता है, हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है। गीजर से क्या चाहिए होता है, हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है। या तो हम इन सब में कौन सा वायर यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, क्या बोल रहे हैं, जब भी हम करंट को पास कराते हैं थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट। रेजिस्टेंस वायर जो होता है वो बहुत ही हॉट हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यही क्या कहलाता है, हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। जैसे कि हम अपने घरों में जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, हम क्या देखते हैं कि अगर जैसे आपका हो गया फैन हो गया, ठीक है, आप इवन फोन का चार्जर भी देख लीजिए, काफी देर तक अगर आप यूज करते हैं और फिर आप उसको टच करते हैं तो वो आपको कैसा गर्म गर्म लगता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो गया होता है, हीट प्रोड्यूस हो गया होता है। तो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा होता है अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर हम उसमें सप्लाई देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वी दे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, बी से कनेक्ट करेंगे उसको, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। होता है क्या है, अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर, अब इस कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हमने बैटरी से जब कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हर कोई भी कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस फ्री नहीं होता, हर कंडक्टर में का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। अब इसमें रेजिस्टेंस है और ये करंट जब फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। और लेकिन अब करंट को अगर एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, ठीक है, या चार्ज जब ये फ्लो करेंगे, इन चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, तो अब करंट को अपनी जो करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना, उसको अपनी कंटिन्यूस फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना पड़ेगा। अब उस मतलब ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। करंट को फ्लो करने के लिए क्या करना है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना है। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए करंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, करंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा वर्क होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब ये वर्क डन ही जो होता है वही क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। वर्क जितना ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड भी उतना ही ज्यादा होगा, वर्क कम है तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड भी कम है। मतलब क्या होता है, अगर हाई रेजिस्टेंस वायर है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर लो रेजिस्टेंस वायर है तो वर्क कम करना पड़ेगा और हीट कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हमारी अप्लायंसेस हैं जिनसे हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है, हम उसमें हाई रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं ना, और जो जिनमें हमें हीट का कोई काम नहीं होता है उसमें हम हाई रेजिस्टेंस वायर
नहीं यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, लेकिन फिर भी वो काफी देर तक वर्क करने पे, जैसे आपका फैन है काफी देर तक चलाओ तो वो हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लो रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या हीटिंग इफेक्ट आपका कम है, उसमें जो भी एनर्जी जाती है वो मोस्टली एनर्जी आपकी कंज्यूम हो जाती है फैन को रोटेट करने में, ठीक है, एक नेग्लेजिबल पार्ट ही होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इस चीज को किससे समझेंगे, तो इतना समझ में आ गया कि हाई रेजिस्टेंस वायर मींस वर्क अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो ज्यादा और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लो रेजिस्टेंस वायर में वर्क कम करना पड़ेगा और हीट कम प्रोड्यूस होगी। इस चीज को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, अब आपको बड़ा सा पत्थर मिलता है, बड़ा सा पत्थर मिल रहा है, अब आपको उसको हटा के ही आगे बढ़ना है ना। अगर आप बड़े पत्थर को हटाएंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है, और अगर बड़े पत्थर की जगह पे कोई छोटा सा पत्थर रख दिया जाए तो आपको एनर्जी कम यूज करना पड़ेगा। अब जब आप ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं मतलब ज्यादा वर्क कर रहे हैं, और जब आप कम एनर्जी लगा रहे हैं मतलब कम वर्क कर रहे हैं। तो सेम यही आपका करंट और रेजिस्टेंस के मैटर में भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम अगर कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करने पर क्या क्यू चार्ज फ्लोज होंगे। अब चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो कितना वर्क करेगा इस चीज को हम फाइंड कर सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू से। अब क्या होगा, नाउ वी नो दैट, इसको हम लेने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, या फिर रुक जाते हैं। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट क्यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, इसलिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, दे आपको यस सो लिख दें, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू था ना, तो Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, I इंटू टी, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, V I T, इसको हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब जितना वर्क होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, मींस वर्क डन बाय द करंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो इसीलिए हम वर्क को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एच से, बिकॉज जितना वर्क उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या कर दिया, डब्ल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, एच से, मींस अमाउंट ऑफ, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, वी इंटू आई इंटू टी। अब अगर हम इसको आई और आर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करें तो क्या होगा, आई आर मतलब हमें वी हटा देना है ना, तो वी नो दैट जब फ्रॉम बाय ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, इसलिए आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, लिख दें सब्स्टिट्यूटिंग क्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू वी इंटू आई था, आई की जगह पे हम अगेन क्या रख देंगे, वी अपॉन आर इंटू टी, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है।
ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। अब अगर हम वी को हटा दें और हीट प्रोड्यूस को केवल आई और टी के टर्म में लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें वी हटाना है ना, तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर। ठीक है, लिख दें ऑन पुटिंग v इज इक्वल टू आई आर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, बिकॉज ओम्स लॉ से हमने पढ़ लिया v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो h इज इक्वल टू v की जगह पे क्या लिख दिया आई आर इन टू आई इन टू टी, मतलब h इज इक्वल टू कितना हो गया आई स्क्वायर आर टी, मतलब हमने h के अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड तीन फॉर्मूले फाइंड आउट किए, एक वी आई टी, दूसरा वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी और तीसरा आई स्क्वायर आर टी। हमारा ये तीन फॉर्मूला हो गया, इन्हीं तीन फॉर्मूलों के बिहाफ पे हमारे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है हमारा, वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रिक करेंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से होकर पास होता है तो इस कंडीशन में वायर जो है वो हॉट हो जाती है और क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट क्यों प्रोड्यूस करती है, बिकॉज इस फिनोमिनन में या इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी। ठीक है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो मोस्टली एनर्जी किसमें आपका कन्वर्ट हो गई है, सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि इफ आई करेंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी देन हीट प्रोड्यूस्ड इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बिकॉज हीट है तो किसमें होगा इन जूल। जस्ट हमने इसको अभी डिराइव किया है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो जो ये h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, बेसिकली दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जूल्स अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट किसके, ये h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले से क्लियर है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, this is directly proportional to r and this is directly proportional to t। ठीक है, तो heat produced जो है किन किन पैरामीटर पे depend कर रहा है आपका, first i पे। कैसे, this is directly proportional to i, मतलब क्या हुआ कि अगर circuit में जो current है उसको बढ़ाया जाए तो amount of heat produced भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर ना, मतलब अगर करंट को हम डबल कर देंगे तो हीट जो है वो फोर टाइम्स प्रोड्यूस होगा और अगर करंट को हाफ कर देंगे तो हीट जो होगा प्रोड्यूस होगा वन फोर्थ, है ना। क्यों, अगर इसको हम डबल कर दें तो ये फोर टाइम्स प्रोड्यूस होगा, अगर हम इसको ट्रिपल कर देंगे तो ये नाइन टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ I ना। अब दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, कैसे होता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस कम है तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगा। थर्ड जो है हमारा क्या है, टी, टी क्या है हमारा टाइम, जितने टाइम के लिए सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो टाइम, तो ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है कि जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा हीट भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर करंट कम टाइम के लिए फ्लो हो रहा है तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली जो ये h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है ना,
दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. क्या हो चुका है, हो जाएगा अकॉर्डिंग, सॉरी दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस, एच क्या है हमारा, द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन फॉर विच करेंट फ्लोज इन अ सर्किट. ठीक है, तो ये इस पे बेस हमारा न्यूमेरिकल भी रहेगा. ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब नेक्स्ट वीडियो में हमने जो भी आज फॉर्मूले डिराइव किए हैं इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे.